इसे कर्नल अजय जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार बढ़त बनती नज़र आ रही है। आप भी मसालों में पॉजिटिव ही हैं। आपने एक मसाला ऐसा है जिसके ऊपर आपने बहुत ही पहले ही बता दिया था कि काफ़ी शानदार बढ़त रहेगी, वो थी लाल मिर्च। लाल मिर्च में आपने काफ़ी महीने पहले ही बता दिया था मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से कि लाल मिर्च में आगे तेजी की संभावना है, लाल मिर्च में दाव लगाकर चला जा सकता है, और आपकी उस सलाह का लाभ काफ़ी दर्शकों ने उठाया भी। अब देख रहे हैं कि लाल मिर्च के जो एक्सपोर्ट है उसमें भारी उछाल देखने को मिला है, आपका क्या मानना है लाल मिर्च में अब आगे बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, हम लाल मिर्च के व्यापारियों को या किसानों को चीन के ऊपर यानी चाइना के ऊपर नजर रखना उचित रहेगा, क्योंकि चाइना में इस बार 20% कम लाल मिर्च का उत्पादन हुआ है और वहां पे त्योहारी सीजन भी अब आने वाला है, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, जो चाइना अभी तक भारत से लाल मिर्च का इंपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि चाइना के जो भाव हैं और भारतीय भावों के अंदर कुछ लगभग $100 का फर्क है। एक दूसरा, चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि यदि भारत के अंदर जब लाल मिर्च के दाम कुछ घटे उस वक्त वो बाइंग करें। तो कुल मिला के एक तो चाइना के ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जो इस बार जो फसल आ रही है उसमें दागी फसल ज्यादा है। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि पिछले लगभग 3 सालों से 4 सालों से लाल मिर्च का एक्सपोर्ट के अंदर दुगने से भी अधिक का इजाफा हुआ है। तो कुल मिला के लाल मिर्च के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी का ही रुख रहना चाहिए, और यदि जो धैर्य से माल रख लेते हैं, यदि तेजा के ऊपर नजर देखें लाल मिर्च की, जो 100-125 रुपए की भाव की जो चीज थी वो आज 175 रुपए के आसपास भी बिकी है, और जो हल्की थी वो उसमें के अंदर भी जबरदस्त मुनाफा भी मिला। विशेषकर यदि दिवाली के सीजन के अंदर जब इसको कोई पूछ नहीं रहा था लाल मिर्च को, उस वक्त हमने यही कहा था कि इसके अंदर तेजी बनने वाली है, अच्छी बनने वाली है, इसको ध्यान से रखें। और मुझे लगता है कि यदि फरवरी मार्च के तक, क्योंकि कोई अधिक रहा टाइम नहीं है, आज 19 तारीख हो गई है जनवरी की, 1.5 से 2 महीने के अंदर मुझे लगता है कि साल के उच्चतम भाव लाल मिर्च में बनने की पूरी संभावना बनती है। गौरतलब है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का ये संयुक्त प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो आपको हमेशा अग्रिम अनुमान देता है। तेजी में तेजी करने वाले, मंदी में मंदी करने वाले जो कारोबारी हैं या विशेषज्ञ हैं, वो अक्सर परेशानियां का सबक झेलते हैं। महत्वपूर्ण ये रहता है कि निचले स्तर पे जब यदि फंडामेंटल एनालिसिस यदि मजबूत है, आपको अग्रिम अनुमान लगाने में आप सक्षम हैं, तो निचले स्तर के ऊपर लगाइए आप। ऊपर के स्तर पे जब बाजार ऑलरेडी चल पड़ते हैं, उसके बाद में फिर सुपर तेजी कहना, ये दोनों तरफ से परेशानियों का सबब बन जाता है। तो दोस्तों, यही मेरा कहना है कि इस चैनल पे बने रहिए, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो विशेषताएं हैं, जो हमारी सदियों पुरानी टेस्टेड मेथोडोलॉजी है, ये इसके ऊपर हम काम करते हैं। और आपको पसंद आता है तो प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने इष्ट मित्रों को भी ये प्रोग्राम आगे फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी भारतीय ज्योतिष, भारतीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ताकत से उनको भी रूबरू हो सकें। जय अखिलेश जी। जी कनर जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।